से 3 आवर बैठना पड़ेगा तो हाँ। खाली भाई शियालदा भाई बोंगा लोकल में सबसे भीड़ होता है बेसिकली बोंगा टू शियालदा, शियालदा से बोंगा भी जाने के साथ बहुत भीड़ होगा इस लोकल में होता है। हमारे एरिया का भाई वन ऑफ द क्राउडेस्ट ट्रेन है ये, तो चलो अभी जाते हैं। भाई कैसे भाग रहे हैं देखो हम लोग भी ऐसे ही भागे थे। ये तो बस भाई शुरुआत है, भीड़ तो अभी बाकी है। तो इस भीड़ में ना भाई बहुत सारा लोगों का मोबाइल चोरी भी हो जाता है, तो जो भी हो ध्यान रख के जाना पड़ेगा। तो चलो चलो भाई चलो एक साथ बारह को चलो। दो ही रखो हाँ भाई जानो 20 रुपीज़ है तो हाँ लेकिन चले भी आया है तो चलो जल्दी बेटा। तो हाँ यहाँ से तो भाई सेक्टर 5 तक 30 मिनट तो लगता है ना, तो चलो। नेक्स्ट स्टेशन इज बंगाल केमिकल, अगला स्टेशन बंगाल केमिकल। तो अभी तो एक आई थिंक सेशन खत्म हुआ, मतलब शिफ्ट सब अभी आ रहा है एग्जाम देकर। अभी तो भाई चारों ओर बहुत ही भीड़ है क्योंकि एक शिफ्ट देकर सब आ रहा है। तो चलो हम लोग पार्क का उस तरफ जाकर आई थिंक खाएंगे तो हाँ भाई। अभी तो नेक्स्ट लेवल भी है, एक जगह बैठ कर भाई खाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ऑब्वियस है सुबह का 7:30, तो 6 बजे उठ के फ्रेश फ्रेश हो गया हूँ। तो आज है मेरा जेई मेन का अप्रैल अटेम्प्ट, मतलब सेकेंड अटेम्प्ट जो होता है। तो सुबह उठकर रेडी फेडी तो होता है, अभी जल्दी से खाता हूँ, नहा धाकर जल्दी से जाता हूँ। ट्रेन है भाई 8 बजे एक है, 8:09 में और 8:30 बजे, तो जल्दी से देखता हूँ। तो हाँ भीड़ तो होगा, हमारे लोकल में भाई बहुत भीड़ होता है, मतलब ट्रेन जो लोकल ट्रेन है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या खाने में मम्मी ने मस्त सिंपल भाई यहाँ पे थोड़ा सा आलू भजा किया है, आलू भाते और यहाँ पे मस्त मूंगेट दाल मेरा फेवरेट, तो यही पैक टैक कर देगा, सिंपल खाना है। तो चलो जल्दी से खा कर जाता हूँ। मैं तो अभी रेडी हो गया हूँ फुल्ली, तो जल्दी से जाता हूँ, 8:30 का ट्रेन धरूंगा। ट्रेन ऑफिस टाइम है, थोड़ा सा भी तो होगा आई थिंक। तो जो भी आज मम्मी नहीं जा रहा है, मम्मी जनवरी के आइटम में गया था, आज नहीं जा रहा है क्योंकि शरीर थोड़ा सा बुरा है और पाव बोल रहा है एक्स्ट्रा भाई जाने के लिए थोड़ा सा तो मन ही लगेगा, क्योंकि भाई देखो जर्नी करके जा रहे हो, थोड़ा सा मम्मी एग्जॉस्टेड भी हो जाएगा गर्मी में। तो उसके लिए हमने सोचा कि अब मैं और पापा ही जाता हूँ। तो चलो पैक टैक भी कर लिया खाना, तो चलो कल तो गया हूँ भाई, एक्सपीरियंस एक अच्छा गेन होगा, जो गया हूँ भाई एक्सपीरियंस एक अच्छा ही गेन होगा। तो जो भी मम्मी ने कुछ खर्चा पैसा भी दिया है देने के लिए सबको, तो चलो पापा प्रणाम प्रणाम आशीर्वाद। चलो भाई इस टाइम में मार्ट पूरा खाली है देखो।
अभी लेट तो थोड़ा सा हो गया है, तो 8:30 बज ही जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले भाई जाकर काटूंगा टिकट। तो चलो, सामने ट्रैफिक लग गया, वाओ। तो बोलते हैं भाई ऑफिस टाइम, चारों ओर भीड़। अभी लेट हो गया, अभी ऑफिस टाइम का भीड़। पापा बेसिकली यहाँ पे भाई बाइक रख रहा है, ये भाई फुल्ली क्या बोलूँ, स्टेशन के पास ही है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेंट तो ज़्यादा है, तो जो भी हो। चलो तो चलो भाई, हमारा सुंदर बोनगंज स्टेशन। तो हाँ चलो, अभी आई थिंक ऐसे रूल हो गया, ऐसे काटने बताने आगे तो भाई हम लोग टिकट काउंटर से काटते थे। तो चलो, ट्रेन तो भाई आ ही गया है। सॉरी, पड़े गए। तातड़ी तातड़ी ওইটা মনে হয় শুনে ওঠো শিয়াল দেখি না বেরো না তো এক মিনিট আগে লেট হতা তো আর এই ট্রেন মা এই নেহি পাকড় পাতা তো এক মিনিট পেলে লগভগ 3:00 মতলব 32 মে ছাড় দে অভি 33 হো রা হ্যা जो भी होकर पकड़ लिया। तो चलो भाई, एक मिनट के लिए भाई जो भी करके चढ़ गया। तो हाँ, अगर एक मिनट लेट हो जाता तो और नहीं पकड़ पाता, तो गॉड को शुक्रिया। तो जो भी, अभी चलो, अभी तो 2 से 3 घंटे बैठना पड़ेगा। तो हाँ, तो अभी तो भाई ठाकुर नगर में हूँ, तो उस कोना में भाई दूजना कितना अच्छे से सो रहे हैं, देखो दो जना वो कोना में। तो सभी अपने नामता है, तो हाँ नाम जाएगा, क्योंकि अभी मेला हो रहा है, ठाकुर नगर का मेला। तो एक बात तो सही है भाई, जल्दी आ गया। तो जो भी हो, अभी भी आई थिंक 3 घंटे बैठना पड़ेगा। तो हाँ चलो, तो ये तो भाई ऑफिस टाइम है, उसके लिए आई थिंक भीड़ थोड़ा सा होगा। तो भीड़ के अंदर आई थिंक नहीं दिखा पाऊँगा, तो बाद में दिखाता हूँ। चलो तो हाँ, भीड़ तो भाई नेक्स्ट लेवल, तो मैं बात नहीं कर सकता अभी, तो बाद में बोलता हूँ। हाँ चलो, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई। चलो तो हाँ, अभी तो एक्सचेंज कर लिया, भीड़ तो नेक्स्ट लेवल है, लेट तो होगा आई थिंक। तो हाँ चलो, भीड़ तो भाई नेक्स्ट लेवल है, तो डरने का भी जगह नहीं है यहाँ पे।
रास्ता है जा रहा है बेसिकली यही मेन लेन। तो चलो अभी पूरा देखो खाली हो गया। चलो अब हाँ वो बेसिकली उन दोनों को भाई पहचानता है। तो चलो तो अभी भाई फुल्ली ट्रेन खाली हो गया है। मैं ना एक लड़की को बैठने दे रहा था पर वो भी दादा था, उसने बोला कि बैठना क्योंकि उन्होंने सामने था मेरा। तो उसके बाद उनको दिया मैंने और उन्होंने बाद में मुझे भी बैठने दिया और वो लड़की भी बैठा था। तो जो भी चलो अभी जाएंगे तो हाँ पूरा खाली हो गया। खाली इतना अमेजिंग लग रहा है ना। तो चलो टाइम लेकर अभी जाते हैं पूरा खाली भाई। शियालदा भाई बोंगा लोकल में सबसे भीड़ होता है। शियालदा से बोंगा भी जाने के साथ बहुत भीड़ होगा। इस लोकल में होता है हमारे एरिया का भाई वन ऑफ द क्राउडेस्ट ट्रेन है ये। तो चलो अभी जाते हैं। ट्रेन में जर्नी करके तो भाई एग्जॉस्टेड हो गया अभी। चलो अभी है मेट्रो। तो वहाँ सोचा था कि भाई टोटो ऑटो से जाऊँगा विधाननगर से, बट सोचा कि मेट्रो का एसी में ही जाता हूँ भीड़ के अंदर। तो चलो समय तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आने के समय। तो जो भी अभी चलो जेई में देते हैं भाई, एक अलग से एक्सपीरियंस हो गया। एक बार तो दिया था तो इस बार थोड़ा सा अच्छा कर दूँगा। तो चलो पूरा देखो खाली हो गया। चलो पापा एक कदम दे दिया स्टेशन, कुछ ऐसा है ये रेल में हमने आया। तो चलो भाई कैसे भाग रहे हैं देखो। हम लोग भी ऐसे ही भागे थे जिस दिन जेई मेन देने आए थे ना। तो हाँ उस दिन चलो ये तो बस भाई शुरुआत है, भीड़ तो अभी बाकी है। तो इस भीड़ में ना भाई बहुत सारा लोगों का मोबाइल चोरी भी हो जाता है। तो जो भी हो ध्यान रख के जाना पड़ेगा। तो चलो यह मेन स्टेशन, अगर आपको चिड़ियाखाना जाना पड़े तो यहाँ से वो जो मेन गेट है उस तरफ जाना पड़ेगा। और हम लोग भाई ये क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और हम लोग मेट्रो से जाएंगे तो इसलिए इस तरफ से जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है शियालदा स्टेशन, शियालदा हो स्टेशन। चलो हर समय यहाँ पे भीड़ रहता है। तो हाँ विक्टोरिया ताजमहल। चलो हाँ यहाँ पे क्या बोलूँ एक हाँ मेट्रो से तो जाऊँगा पर यहाँ पे भाई एक शॉपिंग मॉल भी है येरा पुल शियालदा स्टेशन। चलो तो बाबा भी भाई भूल गया था इस तरफ मेट्रो का क्या बोले एक्सलेटर है, मैंने ही याद करा दिया। तो चलो चलो भाई चलो एक साथ बारह को बारह को चलो भाई टिकट काटूंगा। ये था एक्सेलेटर। चलो यहाँ से टिकट काटूंगा। आई थिंक 25 रुपीज़ है। तो 11:35 में तो जल्दी काटना पड़ेगा। चलो चलो टिकट्स का रुपीज हाँ जानो 20 रुपीज़ है। तो हाँ चलो टिकट तो ले लिया। अभी आई थिंक बैग चेकअप टेकअप होगा उसके बाद ही। चलो तो शियालदा का जो मेट्रो स्टेशन है उसके अंदर है। तो अभी नीचे जाऊँगा। 11:35 में है मेट्रो। तो हम लोग थोड़ा सा पहले आ गए हैं तो थोड़ा सा चारों ओर घूम रहे हैं। वहाँ ये रहा फुल स्टेशन मेट्रो स्टेशन और वहाँ से नीचे जाकर है मेट्रो। तो चलो काम करना कि जल्दी आना। जल्दी आने से भाई धीमे ही धीमे आप जा पाओगे। तो हाँ क्या कर रहे हो? तो जो इंसिडेंट हुआ वो मैं बोलता हूँ। बेसिकली वो जो एक दादा था मेरा सामने, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम क्यों उस लड़की को दे रहे हो? उस लड़की का माँ मुझे बोल रहा था कि देने के लिए कि वो बहुत देर से खड़ा है 72 किलोमीटर। तो उसके बाद मैंने उस लड़की को देने उठने गया पर वो दादा बोला कि मुझे दो। तो उसके बाद थोड़ा देर मैं उस दादा को दिया। तो उस लड़की को पापा ने दिया था सीट। तो चलो जो भी हो उसके बाद मुझे भाई दिया था दादा ने थोड़ा सा। तो ऐसे करके भाई एडजस्ट करके ही जाता है अभी। तो अभी नीचे जाता हूँ जल्दी से छूट नहीं जाए। तो हाँ ये रहा टिकट।
मुंह के बहुत खराब हो गए, तो चल चलो भाई। लेकिन चले भी आया है तो चलो जल्दी पीटर तो साइड उठ ले होटल भाई कितने लॉन्ग गए। ओह माय गॉड तीस मिनट लगेगा अभी भी। ऐसे तो भाई सेक्टर 5 तक 30 मिनट तो लगता है ना, तो चलो नेक्स्ट स्टेशन इज बंगाल केमिकल। अगला स्टेशन बंगाल केमिकल। ठीक है ना, तो गाछ वाला station is Salt Lake Sector 5. This train terminates here. Doors will open on the left. Please mind the gap between the train and the platform. Thank you for traveling with Kolkata Metro. Please remember to take all your belongings with you. Abhi bhai pahunch gaye. Kripya gaadi aur platform ke beech ki doori ka dhyan rakhein. Kolkata Metro mein yatra karne ke liye dhanyawad. इस तरह ये मेट्रो और यही भाई लास्ट स्टेशन है सॉल्ट लेक सेक्टर 5। बाबा भी भाई वीडियो करते करते आया। मेट्रो भाई बहुत ही बड़ा है, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक। अभी भाई चले जा रहा है। वेलकम टू कोलकाता। बहुत ही बड़ा है मेट्रो। अभी एक्सेलेटर में बहुत भीड़ है तो थोड़ा देर बाद जाऊंगा। हाँ वहाँ से घूम के फिर से आएगा। चलो तो यहाँ से आई थिंक 10 मिनट का रास्ता है, उसके बाद ही आई थिंक ये दुविधा है। पहले एक बार तो आया था, उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है। चलो अलग सा ही एक्सपीरियंस। मेट्रो से भाई बहुत बहुत फैसिलिटीज़ हैं और हम ना बाहर का देश से कोई कदम पीछे नहीं, बहुत आगे ही चले गए। देखते हुए कोलकाता में तो है। चलो पापा अभी जाते हैं, एक्सलेटर अभी बंद हो जाएगा तो उसके पहले जाता हूँ। जेई मेन का भाई टेंशन तो नहीं है, पर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लोर करना ही इम्पोर्टेंट है। ये था लास्ट मेट्रो स्टेशन, तो हाँ पूरा कोलकाता घूम पाओगे इस मेट्रो से। कोलकाता भाई आने पे ना एक अलग ही फीलिंग है। हमारा भूंगन से 72 किलोमीटर्स है, तो जो भी हो चलो अभी एक्सलेटर से नीचे जाता हूँ। चलो ऐसे भाई प्लेन बिल्कुल बिल्कुल ऊपर से जा रहा है। चलो और पास में भाई हट के जाने का भी श्री है, दोनों व्यवस्था ही है। सबसे तो पहले आया हूँ तो बहुत समय है, उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट रूम में जाऊँगा या फिर बाथरूम था तुम्हें ऐसे करके उसके बाद ही चला जाऊँगा। वहाँ से टिकट काउंटर है तो हाँ मतलब टिकट दिखा कर जाना पड़ता है। हम भाई आए और देखो थम जा रहा है। लक देखो लक। तो भाई रेल गाइडेंस हमने शुरू किया था हावड़ा मेट्रो, हमने शुरू किया था शियालदा मेट्रो से। ये भाई शुरू होता है हावड़ा मैदान मेट्रो से और सॉल्ट लेक सेक्टर 5 था। और यहाँ पे एक्सलेटर भी सुविधा है, मतलब लिफ्ट का सुविधा। चलो एक्सलेटर तो वो है। भाई जितना सब आ रहा था वो सब बेसिकली जाए जे नहीं। भाई बोल रहा है उस तरफ से, पर उस तरफ से नहीं है, ये है इस तरफ से जाने का रास्ता। तो चलो उस तरफ नहीं, इस तरफ।
हाँ दिखाओ दिखाओ यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे दिखाने से हो जाएगी क्या भेजो। चलो यही तो बाबा, मैंने भाई एक बार आया तो मुझे सब याद है पर पापा को याद नहीं रहता। चलो इस रोड से जहाँ से पहली बार आया था तो पापा भी एक बार दो बार आया है पर पापा ना याद नहीं। वो देखो एग्जिट लिखा है तो पापा भाई एक बार आया है तो भी समझ नहीं पा रहा है तो मैं नहीं दिखा कर ले जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार जहाँ पे आता हूँ मुझे सब याद रह जाता है। तो यहाँ से ना भाई गीतो विधान देखा जा रहा है वो पेयर है तो अभी गीतो विधान में ही है हमारा। चलो टाटा कॉन्सिस्टेंसी सर्विस क्या लिखा है उसके ऊपर और वो 6 तला से 7-8 तला तो है और देखता हूँ इस बार काफ़ी बड़ा। अभी बज रहा है 12:05 तो जो देख रहे हो वो है गीतो वितान, यहाँ से फुल्ली क्लियरली देखा जा रहा है तो हाँ वो ब्राउन कलर का। तो चलो और अभी टाइम देखो 12:10, यहाँ से टिकट काउंटर है। चलो तो भाई व्यू तो देखो वाओ, तो वहाँ से हम लोग हटकर जाएंगे पार करके उसके बाद ही है तो हाँ। चलो एक बार आया है तो भी मुझे लग रहा है मम्मी को भाई बहुत ही बुरा लगेगा क्योंकि हम लोग ऐसे एक्सप्लोर अच्छे से करके जा रहे हैं तो भाई वैसे एग्जॉस्टेड होने के बाद ऐसे खुला मेरा जगह बहुत अच्छा लगता है। अभी टहल अभी चलो जाते हैं और जल्दी से खा पी लूँगा उसके बाद चला जाऊँगा क्योंकि 1 घंटा पहले तो जाना पड़ेगा है ना। हम देखो 3 घंटा पहले एग्जाम सेंटर के पास चले आए। चलो यहाँ पे भी आई थिंक यहाँ पे श्री है रोड से सोजा हट के जाऊंगा तो हाँ रोड से हट के जाऊंगा सामने तो हाँ। चलो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है 39 या फिर 40 तो हाँ चलो यहाँ पे बैठ कर खाने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे जाकर ही खाता हूँ क्योंकि इस बार में भाई ड्रेन है ये देखो पास ही में। चलो इससे भाई पूरा भूतिया हो गया। चलो अभी हट कर जाते हैं। इस तरफ इतना सुंदर और इसके इस तरफ ऐसा खराब अवस्था। हर एक अच्छा चीज़ के पीछे एक बुरा चीज़ होता है ड्रेन। चलो फिर से फटक जा रहा है मैं ही छिना कर ले जा रहा हूँ तो हाँ। चलो इस रोड पार करके जाऊँगा। रोड को पार करना ही भाई सबसे मुश्किल का काम है क्योंकि यहाँ पे कुछ सिग्नल फिग्नल नहीं है तो चलो पुलिस तो भाई बैठ कर गप्पे लड़ा रहा है। पापा तो भाई चला गया है मैं ही इस पर आ गया तो चलो पूरा खाली। जब यहाँ पे पहली बार आया था तो इसको भाई बोला था गीतो विधान पर ये नहीं है उस तरफ है ये सोचकर भाई बहुत सारे लोग ही यहाँ पे आ रहा है पर ये तो नहीं है। ये आई थिंक एक इंजीनियरिंग कुछ बिल्डिंग फिल्डिंग है तो उस तरफ जाना पड़ेगा। चलो तो अभी तो एक आई थिंक सेशन ख़त्म हुआ मतलब शिफ्ट सब अभी आ रहा है एग्ज़ाम देकर और हाँ और यहाँ पे बैठकर सब बेसिकली खा रहा है बहुत सारा लोग तो हम तो उस सब जगह ही खाएंगे। रोड इस रोड पे भाई गाड़ी भी चलता है। पापा यहाँ पे बैठकर खाने बोल रहा है तो मैं तो वहाँ पे जाकर ही खाऊंगा यहाँ पे भाई। और सबका भी ख़त्म हुआ ना एक शिफ्ट तो बहुत भीड़ है अभी उस तरफ आई थिंक। अभी तो भाई चारों ओर बहुत ही भीड़ है क्योंकि एक शिफ्ट देकर सब आ रहा है तो चलो हम लोग पार्क का उस तरफ जाकर आई थिंक खाएंगे तो हाँ भाई। अभी तो नेक्स्ट लेवल भी है एक जगह बैठकर भाई खाना पड़ेगा। इस पार्क में बैठकर पहली एक बार आया था उस बार खाया था तो रोड तो है अभी यहाँ पे क्या करूँगा देखते हैं। तो एक जन बोल रहा था भाई मैथ्स थोड़ा सा टफ तो आया है तो सामने एक पार्क है वो पे जाकर आई थिंक बैठ कर खाऊँगा। चलो थोड़ा सा छाया भी है तो ये रहा आई थिंक वो वाला पार्क पर बहुत भीड़ है अभी क्या करूँगा मैं नहीं जानता। ये वाला पार्क में आई थिंक रुकूँगा तो चलो और यहाँ से आई थिंक 1 किलो थोड़ा सा दूरी है तो हाँ। चलो गर्मी से भाई पूरा हाल बेहाल हो रहा है। पार्क के अंदर तो भाई आ गया पर यहाँ पे बहुत रोड है और पार्क बहुत छोटा है
तो किसी एक कोना में बैठ कर आई थिंक खाना पड़ेगा। तो ये सब आई थिंक सेकेंड शिफ्ट का ही लड़का है सब। तो हाँ चलो बैठ कर खा लेता हूँ एक जगह। भाई पा गए, यही बड़ा बात है। आई थिंक भाई काउंसलिंग के लिए भी बहुत सा आया आ रहा है बोलने, पर आई थिंक ये सब सेफ नहीं है तो नहीं देना। तो जो भी हो जो क्या बोलूँ, या फिर जो ट्रीज है ना बहुत सुंदर है वो ऊपर देखो। तो हाँ हालत बेहाल, धूलिया बहुत गर्मी है और मोबाइल फट जा रहा है इतना गर्मी। तो सब इसी के लिए आ रहा है अभी। आई थिंक एक शिफ्ट ख़त्म हुआ था उसके लिए। तो चलो खाना पीना होगा अभी यहाँ पे। इतना गर्मी में भाई एग्जाम देना एक कष्ट का काम है, पर कोलकाता में ही टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा तो कम है। तो चलो भाई खा लेता हूँ जो भी करके, दाल आलू भत्ते आलू भाजा। तो हाँ भाई मम्मी के हाथ का ये खाना ही बहुत सेफ है उस लेवल। यहाँ पे भाई थिंक खाने का व्यवस्था है, और वहाँ पे जो है पूरा वो है बेसिकली गेट आई थिंक। तो हाँ कुछ देर बाद ही खुले जाएंगे 1 बजे। तो हाँ छत थी मैला लिया। चलो खाना पीना भी डन, सब क्लीनिंग। तो हाँ वो है मेरा आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, 2 ट्रांसपेरेंट पेन, 2 कॉपी फोटो और वाटर बॉटल ले लूँगा। ये पार्क भाई बहुत ही सुंदर है, बहुत छोटा है पर बैठने के लिए अच्छा है। पापा वहाँ पे अभी खड़ा है, ठंडा है वहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे अभी यहाँ पे है, बहुत ठंडा है यहाँ पे पार्क से थोड़ा सा पास, मतलब पास पार्क के अंदर। तो अभी 3 मिनट के अंदर वहाँ पे चला जाऊँगा, तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा तो मैं इन कर देता हूँ। सबको अच्छा लगे बच कर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड एज ऑलवेज स्टे काइंड हम्बल एंड ग्रेटफुल बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग, नेवर फॉरगेट दैट। तो इसके बाद ही चला जाऊँगा एग्जाम हॉल के अंदर, वहाँ पे ACTC है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बाहर पर बहुत गर्मी है, बहुत, तो इन कर देता हूँ। इसके बाद से जो जो होगा देख लेना हम लोग। और 3 आवर का एग्जाम है, पापा के भी थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है क्योंकि पापा बाहर रहेगा और घड़ी फड़ी सब खुल के जाना पड़ेगा। तो चलो।